मैं जा रहा हूँ मेरे अपने गुरुकुल। मैं और मेरे दोस्त इस जगह को कभी नहीं भूल सकते। गुरुकुल में ही मैंने और मेरे दोस्तों ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। गुरुकुल के आसपास की जगह हमें आज भी बुलाती हैं और आज भी हम लोग वहीं पर मिल रहे हैं। ये कमलापुर है और ये है कमलापुर बस स्टॉप। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। हेलो मैडम, क्या बोली? जानते हो हर चीज का ही तरीका होता है, कॉमन सेंस नहीं है क्या? नशेड़ी, सिगरेट को मुंह में रख के मुंह में ही पीना हमारे सीनियर्स ने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। तुम्हें फिर से सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सिगरेट पीने का कोई और तरीका आता हो तो सिखा दो, हम सीख लेंगे। बोलो, सिखाओगी? सिखाओगी। ओ, इसका मतलब है कि फर्स्ट नाइट पर क्या करना है वो भी अपने सीनियर्स से सीखोगे क्या? अरे देखो बस आ, चलो चलो बस आ, चलो। सुनो 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 सुनो, रुको 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 रुको। वैसे हम तीनों की शादी तो होगी और हमारी फर्स्ट नाइट वो तो कमाल की होगी, और हमारे सीनियर्स ही हमें सिखाएंगे कि फर्स्ट नाइट कैसे मनाते हैं। और जानती हो दुल्हन कौन होगी? तुम लोग। अब मजा आ गया ना, फर्स्ट नाइट के लिए तैयार हो जाओ, हम इंतजार करेंगे। रेडी हो जाओ भाई, अब तो जिम जाना पड़ेगा। हम इन बंदरों के मुंह नहीं लगना चाहिए। यार बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अरे इनकी खोलना गर्मी है। ए हेलो, ये मेरी सीट है, चलो उठो यहाँ से। क्या ये तुम्हारी सीट है? कहीं नाम तो लिखा नहीं है, क्या नाम बताया आपने? इसके ऊपर तो बाला लिखा है, आंखों से दिखता नहीं है क्या? हमने ये रुमाल यहाँ रखा, मतलब ये सीट हमारी हुई। भाई विकी, क्या हुआ भाई? रुमाल रखने से सीट अपनी हो जाती है, ऐसा बोल रही है क्या? रुको बताता हूँ इन्हें अभी। इडियट। अरे तुम्हीने तो भी बोला ना कि सीट पर रुमाल रख दो तो सीट तुम्हारी हो जाएगी। जो आपने कहा हमने वो मान लिया, इसीलिए रुमाल तुम्हारे ऊपर रख दिया। इसका मतलब कंडक्टर? कंडक्टर नहीं, मिस कंडक्टर। हटो, चलो सामने से हटो। बताओ क्या परेशानी है, क्यों चिल्ला रही थी? कंडक्टर ये सीट हमारी है और आप इन्हें यहाँ से उठाइए। हाथ मुलाया। मेरी बात सुन लो, मैं अपने राजा को नहीं उठाने वाला। अगर तकलीफ है तो उठा के बस के ऊपर बैठ जाओ। राजा देखो ये हमारी तक हम कैसे पहुंचेंगे? इसी रास्ते पर सीधी चलती जाना, कुछ ही घंटों में गुरुकुल पहुंच जाओगी। या यहाँ इंतजार करोगी तो गाड़ी भी मिल सकती है। सफर भी अच्छा था, मजा आया ना? ए राजा, अच्छी जगह ना? बहुत अच्छा। गुरुकुल के लिए कोई गाड़ी मिलेगी क्या? अरे नहीं बेटा, अब तो 6 बज चुके हैं, 6 बजे के बाद यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलती, सुबह 8 बजे ही मिलेगी। अब तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है, तुम चाहो तो तुम्हारे रुकने का इंतजाम कर सकता हूँ। सुबह होते ही गुरुकुल के लिए निकल जाना। अरे जाइए जाइए, आपके घर 3 किलोमीटर जाने से अच्छा है कि हम 4 किलोमीटर चल के गुरुकुल पहुँच जाए। जानता हूँ आपका प्लान क्या है, आप हमें ले जाओगे, खाना वगैरह खिलाओगे और बोलोगे कि बिल हम ही दे दे। अरे शहर के लड़के हैं हम, इतना भी नहीं जानते हैं क्या? गांव के लोग ना बिल्कुल सही कहते हैं, शहर के लोगों में दिमाग नहीं होता। उस तरफ जाओगे तो घना जंगल मिलेगा, शेर और चीते का खाना बन जाओगे तुम लोग। मैंने बता दिया, अब तुम जानो। मैं तो चला, साइकिल संभालना ही नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। जा रहे अब तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? क्या कर दिया ये? ओहो, ये लोग भी गुरुकुल ही जा रहे हैं, आने दे। चलो। दारू पीने के लिए मस्त जगह है। सही बोला भाई।
अब तुझे क्या हो गया? क्या मुंह बना के खड़ा? लोकेशन देख भाई, एंजॉय कर, एंजॉय। तेरा ना अबे कुछ नहीं, क्या एंजॉय करूं हां, जब आ रहे थे तो सुना नहीं उस अंकल ने क्या कहा, यहां पर शेर चीते हैं। डर के मारे मेरी पैंट गीली हो रही है भाई। क्या तू भी, उस अंकल के कहने से शेर चीते आ जाएंगे? ओए शेर चीतों को तो हमारे दादा परदादा डंडों से मार के भगाते थे, तेरा भाई भी उसी खानदान से है। डोंट वरी, मैं हूं ना, आप देख लो। गेट पर बंधे हुए कुत्ते को देखकर तो 2.5 किलोमीटर दूर भाग जाता है, यहां पर आकर टशन झाड़ रहा है। सुन तन्वी, ठंडे दिमाग से काम लो। अब क्या हुआ? अगर वो अंकल सही कह रहे और यहाँ सच में शेर चीते हुए तो पता नहीं क्या होगा यार। उन लड़कों से पूछना कि हम उनके साथ चल सकते हैं, मुझे डर लग रहा है। तो अब चले? क्या है? बस में जो झगड़ा हुआ उसके लिए सॉरी। आप भी गुरुकुल जा रहे हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं, तो इसलिए मैं इन सब की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज, क्या हम सब एक साथ गुरुकुल जा सकते हैं? अब समझ में आया मर्दों की वैल्यू क्या होती है, इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को हमेशा सिर झुका के चलना चाहिए। समझ में आई बात? अब हम लोग मिलके कुछ फैसला लेने वाले हैं, तब तक डिस्टेंस मेंटेन करो। चलो चलो, दूर दूर दूर। ठीक है, इधर बात करनी, इधर मेरी बात सुन। ये लड़कियां मुझे बिचारी नहीं चारे की तरह दिखाई दे रही हैं। हम इन्हें साथ ले चलते हैं। अगर अंकल की बात सच हुई और यहाँ शेर चीते हुए, तो इन्हें उनका खाना बना देंगे। भागने में तो हम हैं ही उस्ताद, लेकिन भाई बस इस मौके को मत छोड़ना, वरना पता चला कि हम ही उन जानवरों का खाना बन जाएंगे। वैसे भी मेरा खून बहुत मीठा है। चल फटाफट उन लड़कियों से बात कर। ओके, देखो तुम लोग हमारे साथ चलोगे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हम जा रहे होंगे तो रास्ते में हमें शेर चीते बाघ मिल सकते हैं, तो हमें फिर उनके साथ फाइट करनी पड़ सकती है। उस वक्त हमारे ये बैग्स हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो अगर तुम हमारे बैग्स कैरी करोगी तो हमारे साथ चल सकती हो। सही कहा ना भाई? ठीक है, तुम्हारे बैग्स हम उठा लेंगे। चले गए क्या? जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे आगे क्यों खड़ी हो? मर्द आगे रहते हैं, चलो तुम पीछे आओ। फॉलो मी, चलो जल्दी, कम ऑन कम ऑन, आ जाओ जल्दी करो। लेकिन वो आवाज आखिर थी किसकी? अरे मेरे मोबाइल की रिंगटोन थी। बिल्कुल हमेशा हमारी इज्जत उतारने में लगा रहता है। सुनो, यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ काबू में है, और बैग का ध्यान रखना, जल्दी करो। आ जाओ। परेशान मत करो सोनू, सोनू सोनू उठ जा, तू ठीक है ना? क्या हो गया सोनू? आंखें खोलो सोनू। तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। सोनू उठो, सोनू प्लीज थोड़ी मदद करेंगे क्या? सुन विक्की, इसकी कंडीशन को देखकर लगता है इसे उठाकर ही ले जाना होगा। ठीक है, उठा ले तू। आप लोग इतने अच्छे, हमें पता ही नहीं था, पर उस समय आप लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? अरे वो तो ऐसे ही। जानो 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 जानो, मेरी बात तो सुनो जानो प्लीज। तुम चुपचाप मेरे साथ आओ। जानो प्लीज मेरी बात सुनो। अरे तुम कहां लेके जा रही हो मुझे? जानो जानो सुनो तो। जानो तुमने कहा मुझे हैंडसम नहीं दिखना है, मैंने किया। तुमने बोला दाढ़ी बढ़ाओ, मैंने बढ़ा ली। अब तुम मुझे बोल रही हो यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दो, ये कहाँ का न्याय है जानो? वो सब मुझे नहीं सुनना, तुम्हारा प्यार सच्चा है ये तुम्हें साबित करना ही होगा, तुम्हें यहाँ से कूदना ही होगा बस। अरे सुनो तो, अगर तुम बोलो अपनी आँख देने के लिए वो भी दे दूंगा, किडनी मांगो किडनी दे दूंगा, और अगर दिल मांगोगी वो तो तुम्हें कब का दे चुका हूँ, पर तुम तो मेरी जान मांग रहे हो, ये कहाँ का न्याय है जानो? तुम कूद रहे हो या फेंको तुम्हें? अरे अरे बाबरे, यहाँ से कूदने में डर लग रहा है मुझे। मैं एक काम करता हूँ, वहाँ से भाग कर आता हूँ और आँख बंद करके कूद जाता हूँ। ऊपर वाले, तुमसे जल्दी मेरी मुलाकात होगी, मेरा वहाँ पर ध्यान रखना। जानू, अगर मैं यहाँ से कूद गया तो सच में मर जाऊंगा। हाँ एक मिनट रुको, बस एक मिनट रुको। जानू, मैं तो यहाँ से कूद कर अपने प्यार को सच्चा साबित कर दूंगा, पर तुम्हारा प्यार 100% सच्चा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसीलिए एक काम करते हैं जानू, हम दोनों यहाँ से कूद कर अपनी जान दे देते हैं, फिर तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और मेरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा, फिर अगले जन्म में बिना किसी डाउट के हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करेंगे, क्या बोलती अप्पू?
I'm really sorry. बात को समझने की कोशिश करो. मैं इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकती हूँ. मेरी शादी पक्की हो गई है. देखो ये लास्ट टाइम है. याद रहे इसके बाद ना तो मुझे कॉल करोगे और ना ही मुझसे बात करोगे. बाय. ए, जरा एक मिनट रुक. क्या कह रही थी? मैं तुझे भूल जाऊँ? ठीक है, भूल जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है. तुझे लगता क्या है, तू मुझे छोड़ जाएगी तो मैं देवदास बनकर दारू पीते हुए दाढ़ी बढ़ा के पागल हो जाऊंगा? सलमान का फैन हूँ मैं. तेरे घर पहुँचने से पहले तुझसे अच्छी लड़की पटा लूंगा और एक मस्त सी सेल्फी लेके अपलोड करूंगा. उसे देख के लाइक और कमेंट जरूर करना. और वो तू मुझे अभी क्या कह रही थी, बाय? तू मुझे क्या बाय कहेगी, मैं तुझे कहता हूँ गुड बाय. विकी, जानते हो मेरे पापा ने मेरे लिए एक बहुत अमीर लड़का ढूंढा है. मैं जल्दी ही उससे शादी करने वाली हूँ. जानती हूँ मैं खुश रहूंगी तो तुम भी खुश रहोगे. मैं अपनी शादी का इनविटेशन देने नहीं आई हूँ. मेरी शादी में कोई तमाशा मत करना, ये कहने आई हूँ. अच्छा ठीक है, अब चलती हूँ. hey, इधर आओ तुम. तुमने कहा था कि तुम उससे प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हारे साथ था. हटो यहाँ पे. क्या कर रहे हो? सबक से खाता. तुम लड़कियाँ लड़कों को समझती क्या हो? माफ कर दो. क्या सोचा था, कभी भी छोड़ के चली जाओगी? इधर देखो, मैं नहीं आया था, तुम आई थी मेरे पीछे. तुम नहीं कहा था ना कि तुम उससे प्यार करती और करती रहोगी? मैंने कभी कहा था तुमसे कि छोड़ के जाऊंगा? हाँ, मैं तो अपनी सिगरेट दारू वाली जिंदगी में अपने दोस्तों के साथ पूरी तरह से खुश था. तुम ही आई थी ना मेरे पास मेरा नंबर मांगने. मांगा था कि नहीं? शुरू में हमारे बीच तय हुआ था कि हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं. बाद में तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, है ना? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था मुझसे ये प्यार व्यार नहीं होगा, मेरी जिंदगी बहुत अलग है. बाद में तुम्हें कहा कि तुम मेरे नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगी. सिर्फ इसीलिए मैंने तुमसे मोहब्बत की. उसके बाद दिन रात तुम्हारा मैसेज आता था, जानू किधर हो, क्या कर रहे हो, बेबी मेरे साथ चलो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ रहो. पैसे नहीं होते थे मेरे पास, फिर भी दोस्तों से उधार लेके आता था कि नहीं? अब बोल रही है कि मेरे बाप ने मेरे लिए करोड़पति लड़का ढूंढा है. मैं उससे शादी करूंगी तो मैं खुश रहूंगी, मैं खुश रहूंगी तो तुम भी खुश रहोगे, घंटा खुश रहूंगा. करती है. hey, तुम चाहती हो ना कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाऊं? तो जो पैसे मैंने तुझ पे खर्च किए थे, तुम्हें घुमाया था, फिराया था, याशी कराई थी, वो पैसे मुझे चाहिए. अर्थन, अगर आज के बाद इस इलाके में किसी भी लड़के के साथ तू गुल छर्रे उड़ाते दिखी ना, वाट लगा दूंगा तेरी. तुझे क्या लगा था तू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो क्या मैं रोड पे भीख मांगता फिरूंगा? सुन ले, इतने पैसे है मेरे पास कि 15 दिन बार में बैठ के दारू पीऊंगा, तुझे भूल जाऊंगा और कभी शक्ल नहीं देखूंगा तेरी. अरे तू गई कोई और आ जाएगी, कोई और गई तो कोई और आ जाएगी. निकल यहाँ से, हट, पछताएगी. एक हीरो को छोड़ दिया तूने. तुम लोगों ने सच में हमारी बहुत मदद की. Thanks. हम जब से मिले हैं तब से लड़ ही रहे हैं. क्यों ना हम सब अब से फ्रेंड्स बन जाए? फ्रेंड्स बनना है? इस दिन को ऐसे ही नहीं जाने देते, इसी खुशी में एक हग कर लेते हैं. Come on, baby. ये नहीं काफी है, और चाहिए. और ले ले तू हग. आराम से यार, गलत जगह ना लग जाए इसको. बस भी करो तुम लोग. और वहाँ देखो बस आ रही है, चलो बस को रोकते. रुको, गुरुकुल जाओगे क्या भाई? अरे चलेंगे ना, बैठिए अंदर. यही है वो गुरुकुल जहाँ हम सब दोस्त बने थे. लड़ाई से शुरू हुई दोस्ती इतनी गहरी हो जाएगी ये नहीं पता था. ऐसी दोस्ती कि एक दूसरे को छोड़कर एक पल भी ना रह पाए. इन लड़कियों के सामने फिर इज्जत का फालूदा कर दिया. बोला था बर्थडे पार्टी देगा, दे अब. हाँ सही कहा, कॉलेज खत्म होने को आ गया लेकिन आज तक एक भी पार्टी नहीं दी इसने. हमेशा गोली देता है. आज तेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो पार्टी दे दे. यार तू भी ना किससे पार्टी मांग रही है? इनके भरोसे रहेगी ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ ठेंगा मिलेगा. सही कहा. हाँ, ये कंजूस है. ये मेरे प्यारे दोस्त, पार्टी क्यों नहीं दे रहे? पार्टी चाहिए ना, मिलकर पार्टी करते हैं. चलो चलो हो जाए. ये दोस्ती
हुए बादलों रुके जरा देखो हमें, दोस्ती के बिना कोई जी ना पाया, दोस्ती पे नाज है हमें। ये दोस्ती में हर बात है, अपने यारों का साथ है, ये दोस्ती, ये दोस्ती, ये दोस्ती, ये दोस्ती। सागर की गहराई जितनी गहरी है ये दोस्ती, देखो जरा आसपास तुम मुड़ कर, यार नहीं जाएंगे छोड़ कर। कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी रूठते हैं फिर साथ हैं, ये दोस्ती, ये दोस्ती, ये दोस्ती, ये दोस्ती। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, समझ लेना डावर सेट। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर एक सुहागर का ताज होता है। अगर तुम दुनिया में आए हो तो एक बार उधर पड़ेगा, सुन लो मेरी बात गांव वालों। राजू अरे उधर देख, शाहरुख खान की तरह तुझे दो चाहने वालों को मिलाना था ना। ए वो देख तेरे सामने मौका, जा डर मत। हाँ आओ 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 आओ, बड़ों का आशीर्वाद ले। हाँ दोनों पैरों को छूना। अरे क्या अंकल रो रहे हो, कितनी अच्छी बात है, लड़के को देखो कितना स्मार्ट है, पंडित का खर्चा भी बच गया है, आपकी पोती की जिंदगी अच्छी रहेगी, जाके आशीर्वाद दीजिए। वो इनकी पोती नहीं है, इनकी तीसरी बीवी है। क्या बीवी है भाई? क्या हुआ भाई? अरे यार अप्पू, हमने उसके साथ बहुत गलत किया यार, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत हुआ। चला हमने तो कुछ भी नहीं किया है, जो भी हुआ है ना इस राजू की वजह से हुआ है। ऐसा हो ही नहीं रहा, एक और छोटा बना लेता हूँ। ए दाढ़ी वाले सुन, सुना एक बॉटल चेल बियर की जल्दी ले गया, जाना घूर क्या रहा है, सुनाई नहीं देता क्या, जा जल्दी वरना तेरी आँख निकल के गोलियां खेलूंगी। अपनी बॉडी दिखा रहा है, मेरे पास भी बॉडी है, दिखाऊं? दिखाऊं? अरे आराम से, गलत काम मत कर वरना ये लड़का तुझे यही पीट देगा। भाई तू जा, भाई तू जा, दो चिल्ड बियर लेके आ भाई। नहीं नहीं एक काम कर, पांच बियर ले, एकदम चिल्ड। मैं सुना नहीं, जा जल्दी लेके आ। जा बॉस, ये लीजिए बॉस। अरे वाह, गुंडे लोगो तुम लोग, गुंडागर्दी करोगे सामने, शांति कर। पता है इन लोगों को कि हम कौन है? तुम लोग क्या गुंडागर्दी करोगे? हम छह को मारने के लिए इतने सारे लोग जमा हो गए, तुम लोगों को पता नहीं है? तुम्हारी हिकड़ी निकालने के लिए है ना हमारा राजू ही काफी है। तुम सबका बाप है राजू, ए मारना है ना, चल छू के दिखा इसको, छू के दिखा, चल जा। शाबाश मेरे शेर, बाइसेप्स देखिए। अरे ये जोकर मुझे अच्छा लग रहा है, शुरू हो जा। अपनी जबान को लगाम दो, तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा नाम सुनते ही गांधीनगर, एमजी रोड, सिटी मार्केट, पूरा इलाका थर 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 कांपने लगता है, पूरे इलाके का राजा हूँ मैं है। अरे तुम लोग समझाओ ना, ऐसे दोस्त से तो दुश्मनी भले। ये लोग चले गए पर मुझे डर नहीं लगता, अगर तुम लोगों में दम है, तुमने माँ का दूध पिया है तो फिर मुझे पकड़ के दिखाओ। ए यहाँ खड़े होके क्या कर रहा है? उसने हम सब कुछ स्टैचू बोला। ये कोई स्टैचू खेलने की जगह है? हम गुंडे लोग हैं, हम खेलते नहीं खिलाते हैं। चलो पकड़ो।
ये दोनों उन्हीं की तरह दिख रहे हैं, कहीं वही तो नहीं है? ए, हमारे बॉस आए हैं, चलो चेहरा दिखाओ। दरअसल मेरी बहन किसी के साथ भाग गई, इसलिए मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ए, और तू क्यों मुंह छुपा रहा है बता? जिसके साथ इसकी बहन भागी है वो मेरा भाई है, मुझे शर्म आ रही है। यहाँ से चलते हैं, ये कोई और ही लोग हैं। लगता है वो दोनों नहीं है, वो दोनों उधर भागे, चलो चलो ढूंढते उन्हें। अरे बेवकूफो वहाँ कहाँ जा रहे हो, वो लोग इस तरफ गए, आओ मेरे पीछे। मैडम रुकिए रुकिए मैडम, थोड़ा सांस तो ले लेने दीजिए, हमारे बॉस हमें दो रोटी खिलाकर पूरे शहर में कुत्तों की तरह भगाते हैं। क्या? मैडम बहुत भूख लगी है हमें, मैडम कुछ तो खिला दीजिए। यहाँ खड़े रहकर खा रहे हो, उन्हें अकेला पकड़ू, चलो मेरे साथ। मैंने सुना है कि इस पेड़ के एक से एक चक्कर लगाने से लोगों की किस्मत खुल जाती है, चलो हम भी चक्कर लगाते हैं, बताना मत किसी को। ए, मैंने सब कुछ सुन लिया है, ये लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, उनसे पहले हम चक्कर लगाएंगे और खूब पैसा बनाएंगे, चलो आ जाओ। चलो यार, दारू लाने हाँ। भेजा था कहाँ? अरे बहुत मजा आया, आ गया, ये देखो आ गया मेरा भाई, इधर दे दे भाई, क्या डोल रहा है? बासुंदी बासुंदी, आज खत्म करूंगा, बोल आज पूरे शहर को पिलाओ, सब वो तो पीना यार। अरे अरे कर, हमें भी दो, लाओ इधर। अरे दो ना जल्दी, मुझे पीने दे, मुझे भी चाहिए। मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा, मार डालेगा क्या तू मुझे? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे बॉस को अर्जेंट, अपने बॉस को तू बस पे चढ़ा या उसके अंदर डाल तू? हाँ अपन लोगों को गुरुकुल जाना है, हमें उधर छोड़ के चलो चलो बैठो बैठो। भगवान तुम्हारा भला करेगा, गरीब को सहारा दिया तूने। इसकी खोपड़ी तो बिल्कुल हमारे प्रिंसिपल जैसी है। हाँ बहन, इसका सिर आँख मूंछ मुंह कान सब कुछ हमारे प्रिंसिपल जैसा क्यों लग रहा है? लग रहा है तू प्रिंसिपल जैसा लग रहा है। मुर्गा क्या रहा है मुच्छड़, एक मुक्का मारूंगा ना तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी, चलो उधर देख। अरे गाड़ी धीरे चला भाई, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, घर बसाना है, बच्चे पैदा करने हैं, सही कहा ना भाई लोग? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अबे मुच्छड़ मुझे तुझ पे डाउट है, तेरी शक्ल ना हमारे लोफर प्रिंसिपल जैसी है। अब तेरी माँ हमारे प्रिंसिपल के बाप के पास गई या तेरा बाप प्रिंसिपल की माँ के पास गया, ये तो मालूम नहीं है यार, लेकिन दोनों में लफड़ा जरूर हुआ होगा। अभी तू जहाँ जा रहा है जा, लेकिन हमारा डाउट क्लियर करके जाना, अगर नहीं किया मुच्छड़ तो तेरी मुझे नोच लूंगा। समझा? रुको रुको रुको, अब हमारा गुरुकुल आ गया, अब हम लोग अंदर जाएंगे, चलो जल्दी से जाना मुच्छड़। प्रिंसिपल का तेवर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज हमें रेस्टिकेट जरूर कर देगा, लगता तो है। देखो बच्चों, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है सिवाय एक के, मैं उसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि उस इंसान ने मेरे परिवार और माँ बाप के बारे में अनाप शनाप बोला, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, मैं उसे कॉलेज से आज से रेस्टिकेट करता हूँ। फिर मिलेंगे भाई। भाई तू भी? सॉरी भाई, सॉरी दोस्त। सुनो सर, इन लोगों ने मुझे दारू पिला के मुझे बर्बाद कर दिया सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए सर। क्या हो गया? अभी तक तो प्रिंसिपल ने तुझे कुछ बोला भी नहीं है, पागल है क्या? तो मैं सपना देख रहा था क्या? और नहीं तो क्या? हाँ फिर ठीक है, ठीक है थोड़ी देर में कॉल करता हूँ मैं। तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, तुम सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आए हो या एंजॉय करके अपनी लाइफ बर्बाद करने आए हो? मेरी बात सुनो बेटा, अगर इसी तरह की लापरवाही करोगे तो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे, पर तुम्हारी इस करतूत से मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि जिस बस में मैं जाने वाला था उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उस बस में कोई जिंदा नहीं बचा। पर तुम्हारी इन बदमाशियों से किसी का भला होगा ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है? हाँ सर। आज के बाद बदमाशियां खत्म। जी सर। और तुम सब अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओगे, ठीक है? जाओ। सॉरी सर, गलती हो गई। उस दिन से हम सब ने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और हमारे कॉलेज के दिन कब खत्म हो गए पता भी नहीं चला। साल में एक बार हम सब इस जगह हमेशा मिलते हैं, आज हम सब फिर से दोबारा मिलने वाले हैं।
हाँ माँ। बेटा पापा की हालत बहुत खराब हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। नहीं, मेरे दोस्तों को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। एक मिनट, पूर्वी किसने कॉल किया था? नहीं कोई नहीं, बस माँ से बात कर रही थी। देख मुझसे झूठ मत बोल, बता किसने कॉल किया। यकीन मानो माँ का ही फोन था। पूर्वी तुझे हमारी दोस्ती की कसम, बता किसने कॉल किया था। तुम लोगों को एक बात बतानी है दोस्तों, पूर्वी और विकी एक बड़ी मुसीबत में है। पूर्वी के पापा को अगर बचाना है तो डॉक्टर ने कहा है 40 से 50 लाख लगेंगे, और हमारे विकी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो कर्जे में है। तुम लोगों को ना बताने की कसम दी थी मुझे, पर मुझसे रहा नहीं गया इसलिए तुम्हें बता दिया। विकी ये सब क्या है भाई? मैंने अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस करने के लिए मैंने बैंक और पता नहीं कहां कहां से तरह तरह के लोन्स लिए, लेकिन मेरे उस दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। अगले 5 महीने में मैंने 5 करोड़ वापस नहीं किए तो मेरा घर फैक्ट्री सब कुछ सीज हो जाएगा। मैंने अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताई है, डर लगता है कि उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेंगे। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा ना? अगर इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो सीधे रास्ते से इतने पैसे इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। ये पैसे इकट्ठा करने के लिए हमें कोई गलत काम करना ही होगा। देख भाई, अच्छे काम के लिए मुझे कभी भी बुलाओ, मैं आ जाऊंगा, पर गलत काम में मैं तुम लोगों का कभी भी साथ नहीं दे सकता। हाँ, राजू कह रहा है बिल्कुल सही है। वाह भाई वाह, अगर यही मुसीबत तुझे या तेरी फैमिली पे आती तो तू ये नहीं कहता, पर मुसीबत तो इसकी है ना। देख भाई, एक बात तो एकदम साफ है, जब मुझे जरूरत थी तब ये मेरे साथ खड़ा था, अब जब इसका टाइम खराब है तो मैं इसका साथ जरूर दूंगा। अप्पू, मेरे खातिर तुम्हें किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मंडे मैं यहाँ फिर से आऊंगा, अगर किसी को मदद करनी हो तो कर देना। बाय। सबसे प्यारा ये सफर जिसके साथ सच भी आते हैं, किसके साथ मन ये लग जाए ये तो पहले से तय होता है। रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, ऐसी होती है ये दोस्ती। काटने
जीवन का सबसे प्यारा ये सफर जिसके साथ सच भी आते हैं। घर वालों के बारे में सोचेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, फिर शायद हम सही फैसला ना ले पाए। जब तक काम नहीं हो जाता है तब तक हम सबको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे लगता है कि मंदिर की मूर्ति चुराना ही सही आइडिया है। ऊपर वाले को जिसने भी धोखा दिया है वो कभी भी सफल नहीं हो पाया है। या फिर अगर किसी करोड़पति को किडनैप करके फिरौती की रकम मांगे तो? नहीं, क्योंकि आज से पहले विकी भी एक करोड़पति ही था, लेकिन आज उसकी हालत देखो। किसी और को किडनैप कर उसकी ऐसी हालत नहीं करनी चाहिए हमें। बैंक रॉबरी, अगर हम बैंक रॉबरी करेंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के पैसे उन्हें बाद में लौटा ही देगी, तो बैंक लूटने का प्लान ही सही है। सोनू का आइडिया बेस्ट है, मुझे लगता है बैंक रॉबरी का प्लान काम कर जाएगा। महादेवपुरा, आउटर रिंग रोड, बैंगलोर। ICICI बैंक, स्टेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, इन सारे बैंकों में भारी सिक्योरिटी होती है, इसलिए नेशनल बैंक्स को लूटना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों नहीं लूट सकते? लूट सकते हैं। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक को लूटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को लूटना उतना मुश्किल नहीं है। केंगेरी के पास वाला KPL कोऑपरेटिव बैंक, बैंक के 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी घर नहीं है, सिर्फ ऑफिस और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 10 बजे के बाद कुछ भी खुला नहीं रहता। केंगेरी के पास वाले KPL कोऑपरेटिव बैंक को ही लूटना सही रहेगा, क्या कहते हो तुम लोग? आइडिया अच्छा है, विकी का प्लान बिल्कुल सही है। ये बैंक बैंगलोर सिटी बॉर्डर पर है, तो रॉबरी करके हम शहर के बाहर भी आराम से निकल जाएंगे। अगर बैंक मैनेजर को किडनैप करके बैंक के सारे सीक्रेट्स पता कर ले तो बैंक रॉबरी प्लान करना आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो इस प्लान को काम करना चाहिए। इस बारे में तुम लोग का क्या कहना है? बैंक मैनेजर को किडनैप किया तो हम लोग आसानी से पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम जब
बैंक गए थे तो वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरों में हम लोगों का फेस रिकॉर्ड हो गया होगा, और इसीलिए जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम आसानी से पकड़े जाएंगे। तो अगर किसी तरह बैंक मैनेजर के कमरे में अगर हिडन कैमरा फिट करते तो हम सारे सीक्रेट्स पता कर सकते हैं। तन्वी ने बिल्कुल सही कहा, हिडन कैमरा फिट करके बैंक के सीक्रेट्स पता करना एक अच्छा आइडिया है। बैंक मैनेजर के कमरे में कैमरा फिक्स करना इतना आसान नहीं होगा। अगर हम कैमरा उसके सूट में छुपाने की सोच रहे हैं तो वो उसे रोज बदलता है, इसीलिए हमें कुछ और प्लान करना होगा। राज, विकी, एक मिनट यहाँ आओ। इन फोटोज को गौर से देखो। मैनेजर रोज अपना सूट बदलता है पर पेन हमेशा एक ही इस्तेमाल करता है। हमें किसी तरह इसका पेन बदल कर इसे अपना कैमरा वाला पेन देना होगा। सही कहा। विकी, कैमरा वाला पेन कहाँ से लाएंगे? वो सब तो मुझ पे छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा। हेलो अफजल भाई। हाँ, मुझे एड्रेस बताओ, मैं लिख लेती हूँ। सर, पेन मिलेगा क्या? हाँ बोलो। अरे कहाँ हो भाई? अरे ए, क्या कर रहे हो? सॉरी सर, देख कर नहीं चल सकते? सॉरी सर, इडियट, गलती होगी। फोन पे बाद में बात करो। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हम लोग जयनगर से आए हैं। हाँ तो कहिए, कैसे आना हुआ? देखिए, हमें प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन चाहिए। कहाँ है प्रॉपर्टी? हाँ माँ, वही बात कर रहे थे। एक मिनट रुकिए, मैं एड्रेस लिखती हूँ। सर, पेन दीजिए ना प्लीज। देखो, अब हमें की और पासवर्ड का पता चल गया है। अब हमें ये प्लान करना होगा कि बैंक रॉबरी कब और किस दिन करनी है। संडे, वही हमारे लिए सही दिन होगा। जब तक रॉबरी का पता चलेगा तब तक हम लोग शहर से बहुत दूर जा चुके होंगे। ठीक 3 बजे बैंक के सामने रजिस्टर साइन करवाने के लिए पुलिस आती है। पुलिस के जाते ही बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स को क्लोरोफॉर्म से उठा के बेहोश करना होगा। 3 से 4 के बीच अगर हमने रॉबरी को अंजाम दिया तो वो परफेक्ट टाइम होगा, क्योंकि 4:10 से 4:15 के बीच पेपर वाले और दूध वाले आते हैं। इसीलिए 3 से 4 के बीच हमें हर हाल में रॉबरी करनी होगी। हमारे प्लान के मुताबिक बैंक रॉबरी के लिए हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, जैसे मोबाइल, डुप्लीकेट सिम कार्ड्स, ब्लूटूथ, गन, क्लोरोफॉर्म। ये सब कैसे अरेंज करोगे विकी? शिवाजी नगर अफजल। वालेकुम, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ भाई, मिलिए, ये मेरा दोस्त। ओ, अच्छा। है अफजल भाई, इसका नाम राज। नमस्ते भाई। चलो अंदर आओ, आओ बैठो। आओ बैठो। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस के लिए मैंने कई जगह से उधार लिए थे पर मेरे दोस्त नहीं,
मुझको धोखा दे दिया। अब अगले 5 महीने में मैंने 5 करोड़ रुपए नहीं लौटाए तो फिर मेरा घर, मेरी फैक्ट्री सब सीज हो जाएगा। ओह अच्छा, इसीलिए हमने बैंक रॉबरी का प्लान बनाया है। रॉबरी करोगे? और किस बैंक में? केंगेरी का केपीएल कोऑपरेटिव बैंक। भूल जा भाई, मेरे लड़कों ने 2 बार ऑलरेडी उस बैंक को लूटने की कोशिश की है। उस बैंक का सिस्टम ही अलग है। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक साइरन मोड ऑन रहता है। बैंक रॉबरी करना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर बैंक मैनेजर को किडनैप करके बैंक के सीक्रेट्स अगर पता करें तो काम बन सकता है। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बैंक मैनेजर को अपनी बेटी और पोती से बहुत प्यार है। मैनेजर सैटरडे को काम खत्म करके क्लब जाता है। इसी टाइम पर पूर्वी, तन्वी और सोनू, ये तीनों उसकी बेटी और पोती को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। मैनेजर जब तक आएगा तब तक मैं और अब्बू मिलकर कार का सेंट्रल लॉक डिफ्यूज कर देंगे। मैनेजर के आने से पहले तुम कार के लॉक को खोलकर अंदर बैठ जाना और मैनेजर के आते ही उसे अपने कंट्रोल में ले लेना। होशियारी नहीं। कौन हो तुम? अगर पीछे मुड़े तो भेजा उड़ा दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। अभी पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन करता हूँ। इससे पहले कि पुलिस को फोन करो ये सुन लो। नाना जी, मुझे इन लोगों से बहुत डर लग रहा है। बेटा, मुझे बचा। देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। परिवार को बीच में क्यों ला रहे हो? मेरी बेटी और पोती को कुछ मत करना प्लीज। मुझे तेरे पैसे नहीं, बैंक के डिटेल्स चाहिए। सब बताता हूँ, लेकिन मेरे परिवार वालों को तकलीफ मत पहुँचाना प्लीज। लॉकर कोड है 2 4 6 8 5। बैंक का एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो शाम के 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक लेजर्स ऑन रखता है। अगर इस बीच किसी ने भी लेजर्स को छुआ तो ऑटोमेटिकली अलार्म बजने लगेगा। उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मेरा यकीन मानो। जानते हो मैनेजर, हमने पेन में कैमरा फिक्स करके पहले से ही सब कुछ पता कर लिया है। अगर झूठ बोला होता तो तेरी फैमिली को मैंने उड़ा दिया होता। विकी, अगर तू ही ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएगा तो कैसे चलेगा? विकी, अलार्म की जानकारी रखने वाला सिर्फ एक ही आदमी है। उस आदमी को ढूंढने का कोई तो रास्ता होना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये बैंक रॉबरी करके रहेंगे। विकी मेरे भाई, राजू ठीक कह रहा है। तुम ही हार मान जाओगे तो कैसे चलेगा? पूर्वी, तन्वी और सोनू अपने घर वालों से मिलने गांव गए हैं। उनके वापस लौटने से पहले हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। इस सब के बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये रास्ता ऊपर वाले ने दिखाया है तो हमें मंजिल तक भी वही पहुंचाएगा। हर समस्या का समाधान होता है। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसा अपू ने कहा, बैंक को एक बार और डिटेल में स्टडी करते हैं। कोई ना कोई क्लू हमें जरूर मिलेगा। बैंक का अगर ब्लूप्रिंट मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, नक्शा चाहिए। अफजल भाई, तरीका होगा। लेजर लाइट क्रॉस करेंगे तो सायरन बजेगा,
जैसा मैनेजर ने बताया कि उसके रूम की चाबी असिस्टेंट मैनेजर के पास रहती है। असिस्टेंट मैनेजर को किडनैप कर ले तो? नहीं नहीं, अगर मैनेजर के दरवाजे को तोड़े तब भी सायरन तो बजेगा ही। सायरन से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मिल गया। हमने जो बैंक को ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से बैंक के आसपास कोई घर नहीं है। पीछे लगे पाइप की मदद से ही छत पर पहुंचना होगा। अब मेरे प्लान के हिसाब से 3 बजे से 4:10 के बीच ही हमें रॉबरी करनी होगी। ठीक 3 बजे छत के ऊपर जो एसी का डक्ट है उसमें से निकलते हुए 3:30 बजे तक बैंक में एंट्री करनी होगी। ठीक 3:30 बजे तक बैंक मैनेजर के रूम के दरवाजे को तोड़कर हमें घुसना होगा। उस दरवाजे को तोड़ना क्यों है? वैसे भी हमने बैंक मैनेजर को फंसाया है, उससे चाबी लेकर हम आराम से अंदर जा सकते हैं ना? मैनेजर के रूम की चाबी असिस्टेंट मैनेजर के पास रहती है। फिर तो असिस्टेंट मैनेजर को पकड़कर चाबी आराम से ले सकते हैं। हर कोई मैनेजर की तरह इमोशनल फूल होगा इसकी गारंटी नहीं है। तुमने कहा दरवाजा तोड़कर हम अंदर जाएंगे वो सब तो ठीक था, पर जब हम लोग कटिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी भी काफी आवाज आएगी। अब उस आवाज से हम कैसे बच सकते हैं? बैंक के पास में ही एक रेलवे स्टेशन है। ठीक 3:35 पर एक ट्रेन आती है। हर तरफ सन्नाटा होने की वजह से ट्रेन की आवाज बहुत तेज गूंजती है। हर हाल में हमें उसी वक्त उस दरवाजे को तोड़ना होगा। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट होंगे उस दरवाजे को तोड़ने के लिए। मैनेजर के कमरे में ट्रेजरी की हमें पहली चाबी मिलेगी। उसको खोलकर अंदर जाने पर हमें एक और दरवाजा मिलेगा। हमें पासवर्ड पता है तो हम लोग लेजर लाइट वाली जगह पर आसानी से 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हमें लेजर लाइट पार करनी होगी, पर उसे पार करते ही सायरन अपने आप बजने लगेगा, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तुम आगे का प्लान समझ लो। मेरे प्लान के हिसाब से बैंक के ठीक सामने जो बस स्टॉप है वहाँ 4:05 पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो हमारा बैंक रॉबरी का प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें अफजल भाई की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें प्लान को अफजल भाई से डिस्कस करना होगा। पुलिस के आने से पहले मैं, राज और अप्पू, हम तीनों एसी चैम्बर से होते हुए बैंक में एंट्री करेंगे। आपका लड़का फयाज और हमारे लोग बैंक के बाहर खड़े होकर नजर रखेंगे। पुलिस रजिस्टर पर साइन लेके चली जाएगी। उसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड्स को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देंगे। ठीक 4:05 पे बस स्टॉप पे बॉम्ब ब्लास्ट होना चाहिए। वहाँ 3 डेड बॉडीज भी होनी चाहिए। पर हमें आखिर डेड बॉडीज क्यों चाहिए? वो एक राज है। एक बात याद रखना, ठीक 4 बजे बैंक के सामने एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। उसके अंदर बैठ के भागेंगे तो किसी को शक नहीं होगा। एक दूसरे से बैंक रॉबरी के दौरान हम कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बात करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई कोड वर्ड होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तुम लोग पैसे चुराओगे? घर से पैसे चुराओगे? हमारे पूरे खाने के लिए पैसे चुराओगे? हमारी टांगे तोड़ दूंगा। पानी पूरी भगवान एक विनती है, लड़कियों को एक श्राप दो, ये झूठ न बोले, ये झूठ न बोले, ये झूठ न बोले। हर बोए बीज से पौधा नहीं उगता, जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, अच्छी नहीं होती सदा जिससे प्यार हो, धोखा दे जो वो जरूरी नहीं बुरी हो। कंफ्यूजन है लाइफ में कुछ समझ नहीं आता, किसके मन में क्या है यहाँ किसको है पता। भगवान एक विनती है, लड़कियों को एक श्राप दो, ये झूठ न बोले, 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 ये झूठ न बोले। काफी
भी है क्या, सिलेक्शन में उसकी मर्जी भी हो। मैं लाओ मजनू की स्टोरी, इतनी जल्दी भूल गए क्या। लव पास हुआ तो पास, फेल हुआ तो देवदास, और हाथ में पेन हो तो कालिदास। भगवान जाने तू सब कृपा कर मुझ पर, और हा कर दो हा 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 हा, तेरी ये विनती सच कर दो। लड़कियों को एक श्राप दो, ये झूठ न बोले, ये झूठ न बोले, ये झूठ न बोले। श्राप दो, ये झूठ न बोले, ये झूठ न बोले, ये झूठ न बोले। ला 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 ला। जीप आ गई। सुनो, जल्दी से उन्हें मैसेज कर दो। पानीपुरी, 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 पानीपुरी। पुलिस की गाड़ी आ गई है। अच्छा, ठीक है। ए, गाड़ी रोकना जरा। अरे आखिर हो क्या गया? पुलिस की जीप रुक क्यों गई? सुन, जरा देख कार में कौन बैठा है।
ए, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? क्या साहब, प्यार करने वालों को तो अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है ज्यादा देर रुकना मत। सर गाड़ी में कपल है। पुलिस वाले अब चले गए। पानीपुरी। भाई आपने जो काम बोला था वो हो गया। तो फिर जल्दी एम्बुलेंस भेजो। ठीक है भाई। ए, रुको कहाँ जा रहे हो? मंडी की ओर जा रहा हूँ। गाड़ी साइड में लगाओ और पेपर्स दिखाओ। ठीक है साहब। चलता हूँ साहब। ठीक है। ए गाड़ी चेक करो इसकी। ए इधर आ पहले। फोन बज रहा, उठा क्यों नहीं रहा? वो मेरे मालिक फोन कर रहे होंगे साहब। ला फोन दिखा। लीजिए साहब। स्पीकर ऑन कर और सामने बात कर। जी साहब। मालिक मंडी में गाड़ी पहुंचने वाली है। ठीक है, जाकर मंडी में लोड कर, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है मालिक, पहुंच कर लोड करवाता हूँ। और संभल कर जाना। कहा था ना साहब मालिक का फोन होगा। ठीक है तो चलता हूँ साहब। पानीपुरी। अफजल भाई, पुलिस से तो बचकर निकल आए हैं। बस 5 मिनट में जहाँ आपने बोला था वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, पहुँचो और काम करो। ठीक है भाई। पानीपुरी। अफजल भाई, हाँ, जो जगह आपने बताई थी वहाँ हम पहुँच गए। ठीक है, वहीं इंतजार करना। जी ठीक है भाई। पानीपुरी। मेरे लड़के जगह पर पहुँच गए हैं। ब्लास्ट कर दो। अच्छा ठीक है। Thank you.
पानीपुरी 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 अफजल भाई प्लान सक्सेसफुल हासन में मैंने तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है। वहाँ से तुम लोग फ्रेश होके सीधे मैंगलोर के लिए ठीक है भाई। वहाँ पे मेरे लड़के सब देख लेंगे। थैंक यू अप्पू। अफजल भाई ने हसन में हमारे लिए सारा इंतजाम कर रखा है, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें हम फंस भी सकते हैं, इसीलिए हसन में फ्रेश होने के बाद वहाँ से निकल लेंगे। क्या कहते हो? ठीक है विकी, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है पानीपुरी 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 पानीपुरी। अफजल भाई हाँ बोलो ना। हम लोग अभी हसन से निकल कर हाँ मैंगलोर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग पहुंचो, मैं तुम लोगों को बाद में वहीं मिलूंगा। ठीक है। इस चेक पोस्ट पे चेकिंग नहीं हुई, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, इसीलिए कच्चे रास्ते से ही जाना ठीक रहेगा। हाँ ठीक है। कभी सोचता हूं कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901701 पर। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। नमस्ते, बिग टीवी में आपका स्वागत है। स्टार टीवी में आपका स्वागत है। बेंगलुरु की केंगरी के पास जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उससे जनता में डर बैठ गया है। पता नहीं यार, तुम लोग कौन? सर हम लोग दरअसल मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हम जैसे 100 स्टूडेंट्स को नौकरी का वादा देकर ये लोग हमें इस जंगल में ले आए। अपने काम के लिए ये लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। यहाँ पर राज चलता है डॉक्टर थॉमस का, जो कि इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से वादा किया है कि वो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ कर निकालेंगे जिससे किसी भी इंसान के अंदर 100 इंसानों की बुद्धि और शक्ति आ जाएगी। इस फॉर्मूले को हकीकत में तब्दील करने में न जाने कितने लोगों की जान जाएगी, ये सोचकर गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद डॉक्टर थॉमस ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और वो कहीं गायब हो गए। डॉक्टर थॉमस ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस जंगल में अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा। डॉक्टर थॉमस के इन एक्सपेरिमेंट्स ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ले ली। डॉक्टर थॉमस को कई फार्मा कंपनीज का सपोर्ट हासिल है। वही कंपनीज डॉक्टर थॉमस से ये फार्मूला लेकर लोगों पर एक्सपेरिमेंट करती हैं और इस फार्मूले से जो बीमारियां होती हैं उन्हें ठीक करने का वादा करके ये फार्मा कंपनीज लोगों से करोड़ों रुपए कमाती हैं। इस तरह
ये कंपनीज पैसे भी कमाती हैं और सरकार की नजरों से बची भी रहती हैं। जहाँ तक डॉक्टर थॉमस की बात है, उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं और उन्हें जो सपोर्ट चाहिए वो भी ये फार्मा कंपनीज उन्हें देती हैं। डॉक्टर थॉमस को अपना एक्सपेरिमेंट कामयाब बनाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, और इस काम के लिए उनके पास एक गैंग है जो पुलिस के कपड़े पहनकर इस जंगल में जो भी लोग आते हैं उन लोगों को झूठ बोलकर अपने साथ डॉक्टर थॉमस के लैब में ले आते हैं जहाँ पर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। डॉक्टर थॉमस को पूरा यकीन है कि उनका फॉर्मूला एक न एक दिन जरूर कामयाब होगा, पर तब तक कितने लोगों की जान चली जाएगी ये कोई भी नहीं जानता। मुझे यकीन है कि मेरा फॉर्मूला जरूर सक्सेसफुल होगा। मुझे इसी वक्त एक बॉडी चाहिए। आज मेरी 30 साल की मेहनत रंग लाएगी और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। यहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनकी भी बॉडी चलेगी। किसी भी तरह मुझे बॉडी चाहिए। कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, लेकिन बॉडी लेकर आओ। जाओ। उनकी ये बातें सुनकर हमारा दोस्त वहाँ से भाग आया और आकर हमें पूरी बात बताई। हम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकले। वो लोग अपने राज को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमें बचा लीजिए। बचा लो, कोई मदद करो। हम मरना नहीं चाहते, प्लीज सर। मदद करो। हमारी नजरों के सामने उन्होंने कई लोगों को मार दिया। हमें बचा लीजिए, प्लीज 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 सर, प्लीज सर, हम मरना नहीं चाहते। चल चल। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मेरे लिए बस इंतजार ही करते रह जाओगे, और तो कोई काम करना नहीं है तुम्हें। तुम्हारे जैसे सड़क छाप लड़के जो रोड पर पानी पूरी बेचते हैं उनके साथ घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है मुझे। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्योंकि अब मेरा लेवल पहले जैसा नहीं रह गया है। मुझे कॉफी शॉप ले जाकर पिज्जा बर्गर खिलाने वाला लड़का मिल गया, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दूर रहो मुझसे, लुक्खा कहीं का। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है माधुरी, 5 सालों तक चली अपनी लव स्टोरी। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है माधुरी, 5 सालों तक चली अपनी लव स्टोरी। एक दिन छोड़कर मुझे चली गई है, एक दिन छोड़कर मुझे चली गई, और बड़े ही प्यार से बोली आई एम सॉरी। डोंट वरी बी हैप्पी, ईट पानी पूरी। डोंट वरी बी हैप्पी, ईट पानी पूरी। भगवान से मन्नत मांगी फिर भी ना सुनी। डोंट वरी बी हैप्पी, ईट पानी पूरी। चिकनी
बातें करके बनाया बकरा। डोंट वरी बी हैप्पी, ईट पानी पूरी। गांव के रास्ते जाऊं, बैग में उठाऊं, कुछ ना मिला तो मिनिमम एक बियर पी लूं। दारू बियर पी के भी नशा ना चढ़ा। ओके कोई बात नहीं। नेट पर ऑनलाइन रहकर भी रिप्लाई नहीं आया। डोंट वरी बी हैप्पी, ईट पानी पूरी। शॉपिंग वॉपिंग करवा के भी पता नहीं पाया। डोंट वरी बी हैप्पी, ईट पानी पूरी। बीट के लिए हार्ट है, हार्ट के लिए बीट है। दोनों हार्ट बीट मिलने पे अटैक होता है। प्यार व्यार खत्म करो, बहुत हुआ, सच में बहुत हुआ। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी बी हैप्पी, ईट पानी पूरी। डोंट वरी बी वो लोग एसी चेंबर से अंदर आए होंगे। इसका मतलब उन लोगों ने बैंक को बहुत अच्छी तरह स्टडी किया होगा। आदर्श जी सर, बैंक मैनेजर को अंदर लेकर आओ, उनसे बात करनी है। ओके सर। आदर्श सर, बैंक के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। ओके सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑफिसर, ये सब कैसे हो गया? एक बात बताइए, आए दिन कुछ अजीब हुआ है क्या? एक दिन मैं क्लब से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा, उसी वक्त एक अनजान आदमी मेरी गाड़ी में आकर बैठ गया और मेरे सर पे बंदूक तान दी। मैं मुड़कर देख भी नहीं पाया, इसलिए बता नहीं सकता कि वो कौन था। उसी दिन मेरी बेटी और पोती को किसी ने किडनैप कर लिया। मैं बहुत डर गया था, उन्हें कुछ न हो इसलिए मैं उनकी बात मानने को तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि मैं की कोड और अलार्म बंद करने का तरीका उन्हें बताऊं तो वो उन्हें छोड़ देंगे। बस इसीलिए मैंने की कोड और अलार्म कैसे बंद करना है ये उन्हें बता दिया। लेकिन ये सब होने से पहले उन्होंने शायद कैमरे वाले पेन से यहाँ की रिकॉर्डिंग कर ली होगी, क्योंकि अलार्म बंद करने की डिटेल सिर्फ मेरे पास है। मैंने उन्हें सब कुछ नहीं बताया था, फिर भी उन्होंने ये कैसे कर लिया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा कैमरे वाले पेन से रिकॉर्डिंग की। अच्छा, एक काम कीजिए, घर से लेकर बैंक आने तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ जरा याद करके बताइए। हाँ याद आया, उस दिन मेरी पोती का बर्थडे था। उसी खुशी में मैं बैंक आ रहा था, तब रास्ते में एक लड़की ने मुझे रोककर मुझसे पेन मांगा था। उसी समय एक लड़का भी मुझसे टकराया था। अच्छा, वो कौन सा दिन था क्या आपको याद है? 6 तारीख। 6 तारीख सर, कल और 6 तारीख की फुटेज डिलीट हो चुकी है। इंटरेस्टिंग, यानी चोर चालाक है। हम्म,
मैं थक गई। बस हिम्मत मत हारो, बस थोड़ी दूर और। कल के बॉम्ब ब्लास्ट में जो तीन लोग मारे गए थे उनकी मौत दरअसल पहले ही हो चुकी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है। ओके अभिषेक, यहां से मैं संभालूंगा। थैंक्स। ओके। 3:45 पर बॉम्ब ब्लास्ट और 3 से 4 के बीच बैंक रॉबरी, दोनों का समय लगभग एक ही है। बैंक रॉबरी और बॉम्ब ब्लास्ट, मुझे लगता है हो ना हो इन दोनों का जरूर आपस में कोई रिश्ता है। बैंक सायरन की आवाज किसी को सुनाई ना दे, इसीलिए बॉम्ब ब्लास्ट किया होगा। इंटरेस्टिंग। आदर्श सर, ये बैंक रॉबरी और बॉम्ब ब्लास्ट आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें किसी टेररिस्ट ग्रुप का हाथ नहीं है, ये बात डीसीपी साहब को बता दो। ओके सर। Ugh.
सर, कल रात हमारा ऑफिसर जब सिक्योरिटी गार्ड से साइन करवा रहा था, उस वक्त कुछ लोग यहाँ गाड़ी में मौजूद थे। हो सकता है बैंक रॉबरी में उनका हाथ हो। अगर प्रेमी थे तो इतनी रात गए कार में क्या कर रहे थे? इतने सारे च्युइंगम चबाकर बाहर फेंके हैं, जरूर उन्हें कोई बात परेशान कर रही थी। इस गाड़ी के लोग और बैंक रॉबर्स के बीच जरूर कोई रिश्ता है। आदर्श सर, जरा पता करो यहाँ आसपास कोई टी शॉप या बेकरी है क्या? अच्छा सुनो, तुम्हारे पास च्युइंगम है क्या? हाँ है ना साहब। अच्छा कौन कौन सा? सब तरह का है साहब। अगर कोई आता है तो कितने च्युइंगम लेता होगा? ज्यादातर एक या दो ही लेते हैं। ओ, अभी हाल ही में क्या किसी ने बहुत सारे च्युइंगम खरीदे, कुछ याद है? हाँ साहब, कल रात को ही एक लड़का लेकर गया था। ये जो सामने वाले सिग्नल पर कैमरा लगा है, मुझे उसकी फुटेज चाहिए। ठीक है, ओके सर। हाँ बोलो। मुझे जिन जिन पर शक था उनकी फुटेज मैंने आपको मेल की है। ठीक है, देखता हूँ। थोड़ी सी चूक हो गई।
आदर्श सर सुनो, मैं तुम्हें अभी एक क्लिप मेल कर रहा हूँ। हिट लिस्ट में जितने भी क्रिमिनल्स की फोटोज हैं, उन सभी फोटोज को इस क्लिप के साथ मैच करके देखो। और अगर कोई फोटो मैच हो जाती है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके सर। तो मैं अभी मेल करता हूँ। इस क्लिप को फोटो से मैच करो प्लीज। ओके सर। हाँ आदर्श सर, इसका नाम फैयाज है, ये हिट लिस्ट में है और ये गोरीपालिया में रहता है सर। फैयाज गोरीपालिया से। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमें मार डालेगा। मैं मरना नहीं चाहती विकी, मैं मरना नहीं चाहती। मैं हना, प्लीज चलो।
साहब साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया साहब, ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। फयाज कहाँ है? फयाज को देखे जमाना हो गया, नहीं जानता कहाँ है। नहीं देखा? सच कह रहा हूँ, अभी याद आया साहब, करीब 5 दिन पहले देखा था उसे। अगर नहीं बताया तो यही ठोक दूंगा तुझे। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। फयाज को मोबाइल और सिम कौन सप्लाई करता है बोला? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं कुछ नहीं जानता। बताएगा कि ठोक दूं? वो सैयद जो है ना, उसे कर्नाटका मोबाइल शॉप से माल सप्लाई करता है। कौन है ये सैयद और कहाँ मिला? मैं नहीं जानता साहब। सच बता साहब, वो गोरी पल्लिया का मसीदी है ना, वो भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं रिजवान, और मुझे एक मोबाइल चाहिए था, अच्छा वाला दिखाना। एक अच्छा सा मोबाइल दिखाओ भाई। ठीक है भाई। और भाईजान एक सिम कार्ड भी चाहिए, उसके लिए तो फिर डॉक्यूमेंट चाहिए। अरे भाई, डॉक्यूमेंट तो नहीं है, वैसे अपने को फयाज भाई ने भेजा है। फयाज भाई ने भेजा है क्या? ठीक है ठीक है, देता हूँ। एक भैया पुलिस, इस हफ्ते उसे जितने सिम कार्ड दिए मुझे सबके नंबर चाहिए। हेलो सुनो, मैं तुम्हें कुछ नंबर भेज रहा हूँ, उन्हें इमीजिएटली ट्रैक करना है। 9071273779। सर, ये सारे नंबर्स हासन तक एक्टिवेटेड थे, उसके बाद बंद हो गए सर। चलो इस तरह आजा आजा इस तरह। खोल खोल विक्की, छोड़ उसे, चल यहाँ से। सर, एक नंबर अभी थोड़ी देर पहले एक्टिवेट हुआ है।
आपने जो नंबर दिए थे उसमें से एक नंबर अभी ऑन हुआ है सर। मुझे जल्द से जल्द उससे कनेक्ट करो। ओके सर, अभी कनेक्ट करता हूँ। हेलो सर। बोलो सर, मेरे फ्रेंड। क्या हुआ उन्हें? मेरे फ्रेंड्स बहुत बड़ी मुसीबत में है। प्लीज उन्हें बचा लीजिए सर, प्लीज बचा लीजिए। डोंट वरी, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। कोई बात नहीं, पर मेरे दोस्तों को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे इसका सामना करना ही होगा। मुर्गा
सुनो आदर्श, इमीडिएटली मेरी लोकेशन पर एम्बुलेंस और बैकअप भेजो। सर, बैंक रॉबरी का पैसा हमारे पास है। पता चला कि इस सब के पीछे डॉक्टर थॉमस ही है। यहाँ 6 लोग पिकनिक मनाने आए थे, 3 लड़के और 3 लड़कियां सर। उनमें से 3 तो मर गए, जो 3 बच गए वो मेरे पास सुरक्षित हैं सर, और मैं उन तीनों को अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। तुम तीनों को कोई सजा नहीं होगी। क्यों, सुनकर चौंक गए ना? मरते वक्त तुम्हारे दोस्त ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। तुम लोगों ने जो भी किया वो कानून के खिलाफ है। कानून चाहे जो भी कहे, जीवन में पश्चाताप ही सबसे बड़ी सजा है। अब आगे अपनी जिंदगी में इस गलती को सुधार कर कुछ अच्छा काम करना। बोलो आकाश। सर, ऑलमोस्ट सबको अरेस्ट कर लिया है, पर डॉक्टर थॉमस का पता नहीं चल रहा है सर। सर, हमारी पुलिस फोर्स ने सबको अरेस्ट कर लिया है, पर डॉक्टर थॉमस अब भी फरार है। हमारी तलाश जारी है। गर्लफ्रेंड का नाम है माधुरी, 5 सालों तक चली अपनी लव स्टोरी। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है माधुरी, 5 सालों तक चली अपनी लव स्टोरी। एक दिन छोड़कर मुझे चली गई है, एक दिन छोड़कर मुझे चली गई, और बड़े ही प्यार से बोली आई एम सॉरी। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी बी हैप्पी, ईट पानी पूरी। डोंट वरी बी हैप्पी, ईट पानी पूरी। भगवान से मन्नत मांगी फिर भी ना सुनी। डोंट वरी बी हैप्पी, ईट पानी पूरी। चिकनी बातें करके बनाया बकरा। डोंट वरी बी हैप्पी, ईट पानी पूरी। गांव के रास्ते जाऊं, बैग मैं उठाऊं, कुछ ना मिला तो मिनिमम 1 बियर पी लूं। दारू बियर पी के भी नशा ना चढ़ा, ओके कोई बात नहीं। पूरी नीनी चंदा का सदा नीनी चंदा का सदा नीनी चंदा 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 न